फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा के पाखल और धौज गांव के बीच में बने टोल प्लाजा पर शहर के जाने माने वकील एलन परासर से अवैध वसूली की गई। उनसे 3 रुपये ज़्यादा वसूले गए। जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की, पुलिस थाने में अपनी पर्ची जमा करवाई। वापसी में उनसे 25 रुपये फिर से वसूले गए, जबकि उन्होंने पहले ही आने जाने का टैक्स दिया था। पर्ची पे लिख रहा है 37 रुपये, 37 रुपये लिखा है। 350 फालतू ले लिए, अब पर्ची हमारी खोगी। 25 रुपये उसने ले लिए। हाँ भाई, 25 रुपये क्या आपने लिया था ना? अभी आपने बोलो, 1 घंटे पहले आपने लिया था ना? 40 दिए। कोई बात नहीं, ऐसा दोबारा पर्ची कटेगी, कटेगी ना दोबारा? नहीं, 40 रुपये लिए, 40 रुपये लिए, 40 रुपये लिए तेरी पर्ची थाने में, अपनी तेरी समझ में 2 मिनट के बाद पुलिस आ जाएगी। 25 माफ किए थे, मेरा कुछ करे तो मेरा नाम है एलन पारा, ठीक है? आपने 40 रुपये लिए इसने, ये धर्म राजा 40 रुपये लिए, 40 रुपये लिए, ठीक है, ठीक है। और मैंने गिवे, मैंने पर्ची कटवाई है, इन्होंने गई नहीं। एक भाई कह रहा है रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, मैं देख ले भाई, 25 रुपए की और पर्ची काटी है। अच्छा, नहीं तो जब कंप्यूटराइज है सारा, पहली बात तो दूसरी पे पता लग जानी चाहिए कि पहले पर्ची कटी है नहीं है, गाड़ी नंबर से आ जाता है। अच्छा, ये 40 रुपए ले रहे हैं और पर्ची पे 37 लिख रहे हैं, तो लगभग कई हजार गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं। हाँ, गुजरती होगी। अगर सबसे 3-3 रुपए लेते हैं तो लगभग 20-25-30 हजार गाड़ियां, लाखों रुपए की वसूली है डेली की। तो आप थाने गए थे, आपने शिकायत दी है? शिकायत दी है। पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वाले कह रहे हैं अभी हम आते हैं, कार्रवाई करेंगे। नंबर 2-3 बार यार आम आदमी क्या करते होंगे, ये अपने आप में बोलते हैं, मैं भी दोस्त हूँ और बच्चा हूँ, तुम्हारी तो भी कैसे ले लो यार, तुम 37 रुपया की बात नहीं है, 40 ले लिए तुमने। इनको कैश चेक करो अभी और पर्ची चेक करो, कितने एक्स्ट्रा फुटेज है, पैसी बोल फुटेज भी है, वो नेटिव आए हूँ नया। मैनेजर बुला लो अपने, कोई भी हो। वकील पारासर ने बताया कि जब मुझ जैसे वकील से अवैध वसूली की जा सकती है तो यहां से रोजाना 10,000 से ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं, सभी लोगों से अवैध वसूली होती है, पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को टोल से 1 किलोमीटर दूर धौज गांव में जाना पड़ता है उनसे भी टोल वसूला जाता है। वकील पारासर को सिर्फ 1 किलोमीटर दूर धौज गांव में जाना था लेकिन उनसे 40 रुपये टोल वसूला गया। जब उन्होंने थाने में शिकायत दी, पर्ची थाने में छोड़ दी तो उनसे बिना कंप्यूटर में चेक किए 25 रुपये का टोल फिर से वसूला गया। इसी तरह से उनसे 3-4 बार टोल वसूला गया। वकील पारासर ने बताया कि जब मुझ जैसे वकील से इस तरह से अवैध वसूली की जा सकती है तो आम इंसानों के साथ टोल प्लाजा कर्मी क्या करते होंगे। उन्होंने इस मामले में धौज पुलिस थाने से सख्त कार्रवाई की मांग की है। धौज पुलिस थाने ने कार्रवाई शुरू कर दी है, 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।